नमस्कार दोस्तों, आज है फेब्रुअरी महीना का लास्ट डे है और ये रहा हमारा देसी कलान चौक। बहुत ही खूबसूरती से इसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हम कलान चौक का केयर कैसे कर सकते हैं और हमें अगले साल तक हम कैसे इसे बचा के रख सकते हैं, वो सब चीज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स और लास्ट वीडियो के एंड में आपको ये जो हमारा जो पॉट देख सकते हैं इसे मैं कलरिंग करने जा रहा हूँ और हैंगिंग पॉट बना के दिखाऊंगा फ्रेंड्स। बहुत इजी तरीके से आप भी बना सकते हैं, सो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में हाइब्रिड वाला जो कलांचो है वो भी है, ये देख सकते हैं आप। वो इसे मैंने नर्सरी से लेके आया था और लगाया था और ये अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है फ्रेंड्स। और इसे मैं छाँव में रखा है, ये देख सकते हैं आप। और लेकिन ये जो गजनिया और जेरेनियम को थोड़ा धूप मिला है और अभी इतना तेज धूप नहीं है और धूप मिला है और इतनी बढ़िया से खिला है ये देखिए। और इसे तो मैंने कलंचों को तो मैं छाँव में रख दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि उसे धूप ज़्यादा पसंद नहीं है फ्रेंड्स। कोई भी पौधा हो उसका ऊपर ज़्यादा फूल आने के लिए फ्रेंड्स नीचे मजबूती चाहिए फ्रेंड्स। नीचे उसका जड़ नीचे अगर आप अच्छी तरह से खाद देंगे, मिट्टी देंगे और अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे तो 100% फ्रेंड्स इसका फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से होता है फ्रेंड्स। और वो अगले साल तक भी उसे कुछ होता नहीं फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से वो सर्वाइव कर लेता है फ्रेंड्स। सो हमने भी यहाँ सिर्फ गोबर और मिट्टी को हमने मिक्स करके डाल रहे हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी ये डालने के बाद क्या होगा कि फ्रेंड्स इसे नीचे से बहुत मजबूती मिलेगा और इसका बहुत ही बढ़िया फूल खिलेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नीचे देखभाल करने के बाद ये पौधा आसानी से सर्वाइव कर लेता है और आपको नेक्स्ट ईयर भी बहुत ही बढ़िया फूल देता है फ्रेंड्स। तेज धूप में कभी भी कलंचों का पौधा को मत रखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कलंचों का पौधा में बहुत पानी होता है फ्रेंड्स, सो हमें पानी देते समय बहुत ही ध्यान से पानी देना पड़ता है और हमें पानी ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है फ्रेंड्स। इसका जो मिट्टी है जो पूरा सूख जाता है, पूरा सूख जाने के बाद ही पानी दीजिएगा फ्रेंड्स, इससे पहले बिल्कुल भी मत दीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, रेनी सीजन में इसका देखभाल हमें बहुत ही अच्छी तरह से करना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर इसका पौधे पर पानी 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 हो जाए तो ये पौधा मर भी सकता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी यहाँ बहुत ज़्यादा फूल खिलने जा रहे हैं और बाहर देखिए फ्रेंड्स, ये पॉट में बिल्कुल भी कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे थोड़ा कलर किया जाए, सो मैंने चूज़ किया है फ्रेंड्स येलो कलर और मैं इसे फटाफट येलो कलर लगा लेता हूँ ताकि ये बाहर से भी बहुत खूबसूरत लगे। और मैं इसे आज हैंगिंग पॉट भी बनाने जा रहा हूं और बहुत इजी तरीके से सिर्फ तार से ही मैं इसे हैंगिंग पॉट बनाऊंगा फ्रेंड्स, और देखिएगा आपको कैसा लगेगा। कलरिंग तो हो गया फ्रेंड्स और इसे चलिए हम अभी थोड़ा धूप में सुखा देते हैं। फ्रेंड्स, रेनी सीजन में हमें इसे बहुत ही देखभाल करना पड़ेगा फ्रेंड्स और हमें पानी से बचा के रखना पड़ेगा फ्रेंड्स ताकि इसका पौधा को कुछ ना हो। फ्रेंड्स, रेनी सीजन का बात कर रहा था और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दो दिन तक हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी आया और ये देखिए फ्रेंड्स थोड़ा मैला हो चुका है। और आगे देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये कीड़ा आना शुरू हो चुका है। बारिश के बाद फ्रेंड्स ऐसा कीड़ा बहुत सारे आते हैं, सो हमें बारिश के बाद थोड़ा चेक करना पड़ता है हमें कहाँ कहाँ ऐसा कीड़ा आया, उन सबको निकाल के फेंक देना पड़ता है, नहीं तो हमारा पौधा ख़राब कर देंगे ये फ्रेंड्स। और फाइनली वो दिन आ चुका है फ्रेंड्स जो हम यहाँ इसे सजा के रखेंगे, ऊपर झूला के हैंगिंग पॉट में हम इसे रखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ मैं सिर्फ तार से मैं बनाऊंगा इसे, बहुत आसानी से बनाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देखिएगा फ्रेंड्स।